हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस सुहानी सुबह का आनंद लेने के लिए आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही आनंदमयी जगह। इस जगह का और आज के दिन का आपकी जिंदगी में बहुत ही महत्व है। इस महत्व को इस आनंद के साथ मिलाने के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं इस सुहानी सुबह के साथ एक आपके दिल में बसने वाली जगह पे। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में कितना क्यों और कैसे इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसी दिन को और यादगार और मज़ेदार और इंटरटेन बनाने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। इस समय हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो कि नोएडा को आगरा यानी कि ताजमहल के शहर प्रेम की नगरी से जोड़ता है। इस नोएडा एक्सप्रेस वे से हम होते हुए लेके चलेंगे आपको आज एक बहुत ही खास नगरी। इस नगरी में आने के लिए आपका मन बहुत ही उत्तेजित होता रहता होगा और हर बार यहाँ आने के लिए आपके मन में प्लान बनते बिगड़ते रहते होंगे। इससे पहले के आप इस नगरी में एंटर हों, उससे पहले हम आपको इस नगरी की खासियतों के बारे में बताना चाहेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे से डाउन कट लेते हुए हम मुड़ रहे हैं अब वृंदावन की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना, हम जा रहे हैं वृंदावन, राधा रानी के द्वार। जी हाँ, ये वही नगरी है जो कृष्ण और राधा के लिए फेमस है। यह है मथुरा में होकर बहती हुई यमुना, जिसमें श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव बाबा मथुरा से गोकुल आए थे। जी हाँ, आप सबने कृष्ण की, राधा की, मथुरा की, गोपियों की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में, आपके जीवन में कभी ना कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि क्यों ना एक बार मथुरा, वृंदावन, बरसाने घूमा जाए। तो आपके इसी मन की अभिलाषा को दूर करते हुए और आपको प्रॉपर मथुरा का टूर कराते हुए हम लेके आ गए हैं आपके सामने एक नया टूर। ये है मेरो वृंदावन, यानी कि वृंदावन में प्रवेश करने का मुख्य द्वार। इस द्वार में होते हुए हम वृंदावन की तरफ चलेंगे और आप सभी लोगों ने श्री राधे राधे वाला गाना तो सुना होगा, जिसमें पूरे मथुरा को घुमाया गया है और कृष्ण राधा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। चलिए, तो हम आ गए हैं वृंदावन शहर, जो कि नगरी है कृष्ण और राधा की। जी हाँ, जब आप इस शहर में एंट्री करेंगे तो काफ़ी सारे बड़े बड़े दरवाज़ों से आपको गुजरना होगा। बराबर में आप देख सकते हैं माँ वैष्णो देवी की कितनी बड़ी प्रतिमा इतनी दूरी से दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये माँ वैष्णो देवी धाम है जो कि वृंदावन में स्थित है। इस धाम में माँ वैष्णो देवी की मूर्ति यानी कि प्रतिमा आप देख सकते हैं कितने बड़े आकार की है। तो जब आप कभी मथुरा आएं तो इस मंदिर को घूमना बिल्कुल ना भूलें। इस मंदिर पर आने के बाद आपको इतनी शांति का अनुभव होगा जैसे कि आप इसी की खोज में आए हुए हों। ये आपका अगला मंदिर, एक तरीके से ये मंदिर लोटस टेंपल की तर्ज पर बना हुआ है, तो ये मंदिर भी आपके लिए घूमने लायक है। जैसे जैसे आप शहर में आगे बढ़ते चलेंगे, शहर की खूबसूरती से, शहर के इतिहास से और शहर के आनंद से आप रूबरू होते चलेंगे। जैसे कि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है या जन्माष्टमी वाला दिन है, तो आप देख सकते हैं किस तरह करके मथुरा के चौराहों को सजाया गया है। जी हाँ, मेरा ये पहली बार मथुरा आना हुआ है और यहाँ पर साइड के किनारे हर 100 मीटर पर काफ़ी अच्छी झांकियाँ हैं। ये कृष्ण जन्मभूमि के पास बैठे हुए लोग हैं जो सिंदूर बेचते हैं। इस सिंदूर से आप कई सारी पूजाओं में हिस्सा ले सकते हैं या ये सिंदूर कई सारी पूजाओं में काम आता है। तो जब भी आप मथुरा आइएगा, इन सारी चीज़ों को बखूबी याद रखिएगा। जी हाँ, आज जन्माष्टमी है और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मथुरा का हर चौराया बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और हर चौराहा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसकी नगरी है,
किस लिए ये फेमस है। जी हाँ, मैं जैसे जैसे चौराहों को क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कितनी खूबसूरती के साथ इन चौराहों को जन्माष्टमी यानी कि कृष्ण के जन्म वाले दिन सजाया गया है। इनकी सजावट और कृष्ण की ये नगरी आपके मन को मोह लेगी और इनसे आपको इतने आनंद की अनुभूति होगी जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जी हाँ, मेरा ये पहला मथुरा का विजिट है और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जन्माष्टमी के दिन मेरा यहाँ आना हुआ है और इस तरह की सजावट, इस तरह की रौनक देखने को मिल रही है। अभी सुबह के 8:30 बजे हैं तो आप देख सकते हैं सड़कों पे कितनी भीड़ है, यानी कि सुबह के जस्ट 8:30। चौराहों की खूबसूरती से मैं आपको रूबरू कराता हुआ लेता जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता चलेगा यानी कि टाइम पीक होता चलेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ आपको कितनी सारी भीड़ मिलने वाली है। इसके साथ साथ मुझे मथुरा आकर ही पता लगा कि यहाँ पे सैटरडे और संडे में कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो जितनी भी बाहर की आउट ऑफ वृंदावन और मथुरा की गाड़ियाँ होती हैं, लाइक आप अपनी पर्सनल गाड़ी से अगर यहाँ आएंगे तो आपके लिए दिक्कतें होने वाली हैं। तो मेरा सुझाव यही है, अगर आप सैटरडे और संडे में आने वाले हों मथुरा स्पेशली, तो अपनी गाड़ी से ना आएं, बिकॉज यहाँ पर इतना रश रहता है, इतना भीड़ रहता है कि पार्किंग काफ़ी पहले करा दी जाती है और आपके मंदिर वगैरह काफ़ी दूर हैं। तो हम मथुरा से दोबारा आ गए हैं वृंदावन, क्योंकि मथुरा में इस समय काफ़ी भीड़ है, तो हम वृंदावन आ गए हैं और थोड़ा हमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए, होटल वोटल लेते हुए या जो भी काम उनको करते हुए हम को हो गई है रात। और आप देखिए इस रात की खूबसूरती किस तरह करके मथुरा की सड़कों को, मथुरा के लाइट के पोल्स को लाइट से सजा दिया गया है। रंग बिरंगी रोशनी आपके मन को मोह लेगी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे कई सारे दरवाजे पड़ेंगे आपको। और ये जी देखिए रात का सुनहरा नज़ारा प्रेम मंदिर का। जी हाँ, यही वो प्रेम मंदिर है जिसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया में हैं। समय हो गया है आपका सुबह 7:30 बजे का। ये मार्ग कहलाता है परिक्रमा मार्ग। जी हाँ, मथुरा की जो परिक्रमा लगती है वो इसी रोड पर लगती है। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितने सारे लोग नंगे पैर परिक्रमा करने पर लगे हुए हैं, यानी कि परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें देसी लोग, विदेशी लोग, नॉर्थ इंडियन, साउथ, सारे भारत के नागरिक हैं, उनके साथ साथ विदेशों से भी आने वाले श्री कृष्ण के परम भक्त यानी कि उनके श्रद्धालु शामिल हैं। यहाँ पे कुछ बंदर वगैरह हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। ये बंदर वगैरह जर्नली आपके सामान को आपसे छीन के ले जाते हैं और इसकी कहानी बहुत फेमस है जो कि बांके बिहारी मंदिर के पास है। जब हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह करके लोग अपने आप को पूरा कृष्ण के ऊपर समर्पित किए हुए हैं और नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं सुबह सुबह के टाइम। देखिए इन्हें किसी और से लगाव ही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कृष्ण के लिए ही आए हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब आप मथुरा आएंगे तब आपको एहसास होगा यहाँ के आनंद का। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ बांके बिहारी मंदिर। जी, ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप मथुरा में आएँ तो बांके मंदिर घूमना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर का अपना एक इतिहास है, अपना एक रसूख है। ये मंदिर बहुत फेमस है, तो ये पतली पतली गलियों में हो के हम चलेंगे। मंदिर में जाते समय आप यहाँ से फूलों की माला भी परचेज कर सकते हैं। ये पतली पतली गलियाँ आपको बांके बिहारी मंदिर की तरफ ले जाएंगी। ये जर्नली बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इसकी खुद की एक खासियत है, खुद की एक विशेषता है। तो बांके बिहारी मंदिर, आप जब भी मथुरा आएँ तो वृंदावन में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूलों की माला और फूल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने के लिए आपको जगह जगह मिल जाएंगे, तो आप कहीं से भी इनको ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के फूल हैं, कई तरह के फूलों की माला है और ये भैया इनको बेच रहे हैं, तो आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन ये नगरी पेड़ों के लिए फेमस है। जी हाँ, ये पेड़े हैं और यहाँ बांके बिहारी मंदिर में पेड़ों का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्री कृष्ण की ये नगरी है तो यहाँ श्री कृष्ण का तो जग जाहिर रोम रोम बसा हुआ है। जहाँ पर आपको मंदिर से पहले कुछ
ओल्ड एज लोग भी मिल जाएंगे जो आपसे थोड़ी हेल्प की उम्मीद रखते हैं। जी आप ये देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पर एक फ़ैन है जिसमें राधे राधे लिखा हुआ है। ये जो गरीब लोग हैं या ओल्ड एज लोग हैं, उनको आपकी थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। लाइक आप उनको खाना दे सकते हैं, आप उनको थोड़ा अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ को इजीली जी पाएं। इस मंदिर में जाने की कई सारे शॉर्टकट्स हैं, तो आपका अगर मन है शॉर्टकट से जाने का तो आप शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि नहीं मुझे बिल्कुल प्रॉपर वे में ही मंदिर में जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं। तो हमने लिया है गेट नंबर 2 वाला रास्ता और ये मार्केट है पेड़ा मार्केट। यहाँ पे आपको प्रसाद लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं प्रसाद या फ्लावर। यहाँ पे आपको कई सारी शॉप मिलेंगी जो पेड़ा सोल्ड करती हैं, यानी प्रसाद वाला सामान जिसको पेड़ा बोला जाता है वो यहाँ पे सोल्ड होता है। तो आप यहाँ से इजीली अपने मन के अकॉर्डिंग, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग और अपने घर के लिए, मतलब बहुत से लोगों को पेड़ा बहुत फेमस होता है। तो लो जी हम आ गए हैं बांके बिहारी मंदिर और गेट नंबर 2 से हम ले रहे हैं बांके बिहारी मंदिर में एंट्री। तो अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि यहाँ पर इतनी भीड़ है आज के दिन जो कि जन्माष्टमी वाला दिन है कि आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो जितनी जल्दी आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लें उतनी जल्दी ही आप उनसे एक नए संबंध को बना सकते हैं, यानी कि जो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है उसको आप उनके यहाँ सामने बयां कर सकते हैं। जी हाँ, भगवान और भक्त का एक संबंध बहुत अनूठा संबंध होता है और इसे बयां नहीं किया जा सकता। ये मंदिर के अंदर का हिस्सा है, बिकॉज़ यहाँ पर भीड़ अभी इतनी है कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता। हम मंदिर के बाहर आ गए हैं और यहाँ पर लोग राधे राधे नाम का चंदन अपने माथे पर, अपने गालों पर लगवाते हैं, जो कि मैंने भी लगवाया है। और इसको लगवाने के बाद मैं बहुत ही अत्यंत आनंद की अनुभूति का एहसास कर रहा हूँ। तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन करें प्रेस, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बांके बिहारी मंदिर के बाद आ गए हैं प्रेम मंदिर। टाइम हो रहा है शाम के 6। जी हाँ, 6 बजे हम प्रेम मंदिर के बाहर आ गए हैं। अब हम यहाँ पे अंदर एंट्री लेने वाले हैं प्रेम मंदिर की। तो आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। हालांकि मथुरा में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से, बिकॉज आज श्री कृष्ण का दिन है, तो जल्दी जल्दी हम आपको इस टूर को ले जाना चाहेंगे, जल्दी जल्दी कुछ अच्छी चीज़ों से आपको मिलाना चाहेंगे। तो हमने एंट्री ले ली है प्रेम मंदिर के अंदर। प्रेम मंदिर के अंदर जब आप जाएं तो एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि इस मंदिर के अंदर आप अपना सामान नहीं ले जा सकते हैं, ये सामान आपको बाहर ही डिपॉजिट करना पड़ेगा। बेटर होगा कि आप अपने होटल में या अपनी गाड़ी में ये सामान छोड़ कर आएँ। ये प्रेम मंदिर का नज़ारा है शाम के 6 बजे का। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। सच में मेरे दिल को इस नज़ारे ने बखूबी गदगद कर दिया है और मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि मैं इतना लेट क्यों आया हूं। मुझे यहां कई बार आने का मन हो गया है और मैं कोशिश करूंगा कि यहां कई बार आकर इस आनंद की अनुभूति ले सकूं। ये कृष्ण की झांकियां हैं कि वो इस शहर में, इस नगरी में क्या किया करते थे। देख सकते हैं आप श्री कृष्ण की बड़ी सी प्रतिमा। जी हाँ, ये आपको श्री कृष्ण की कहानियों से रूबरू कराने वाला एक इतिहास है जिससे आप बहुत इजीली रूबरू हो सकते हैं। ये प्रेम मंदिर है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जी हाँ, जब आप इस मंदिर की विजिट करने आएंगे, इस मंदिर को घूमने आएंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इस मंदिर से बखूबी प्रेम हो जाएगा। इस मंदिर के बराबर में ही काफ़ी कुछ ऐसा है जिसे आप घूम सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज बहुत भीड़ है तो काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम आपको बहुत लिमिटेड चीज़ ही दिखाने वाले हैं, ताकि कि जो मेन चीज़ है जिससे आपको ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो, हम उस आनंद को आप तक लेके आए। तो मंदिर की खूबसूरती खासियत से आप रूबरू हो रहे हैं। धीमे धीमे शाम होती जा रही है, कई सारी झांकियां आपके आगे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि मंदिर परिसर के अंदर हैं। ये देख सकते हैं श्री कृष्ण गाय जी के साथ, यानी कि गौ माता के साथ एक झांकी बनाई गई है, या एक यहाँ पर फाउंटेन भी लगाया गया है। ये कृपालु बंदे जगत गुरुम करके यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा गया है जो कि आपको काफ़ी सारी ऊर्जा देने वाला है। और ये सारी झांकियाँ आपके मन को मोह लेंगी। तो आप मथुरा जब आएंगे ना तो पक्का मथुरा से प्यार कर जाएंगे, मथुरा के प्रेम में आप डूब जाएंगे। श्री कृष्ण की इतनी रास लीलाएं हैं यहाँ पे, उनका इतना इतिहास दर्शाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जैसा कि मैंने कहा, धीमे धीमे टाइम बढ़ता जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इस समय बज गए हैं 7 और
क्या खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। जी हाँ, ये है श्री गोवर्धन पर्वत जो कि प्रेम मंदिर के अंदर ही बनाया गया है। इस पर्वत की खासियत ये है कि इसको आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वे में इसको स्टेबलाइज नहीं किया गया है। ये आप देखें, पतले पतले से डंडों पर ही ये पर्वत खड़ा किया गया है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, टाइम हो गया है 8, तो आप ये देख सकते हैं श्री कृष्ण की पहली लीला, जब वो काफ़ी छोटे थे। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो झांकी दिखाई गई है वो किसकी है। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो आप पहचानिए। उम्मीद है आप पहचान गए होंगे, तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये श्री कृष्ण के समय की कौन सी लीला है और इस लीला में हमारे श्री कृष्ण महाराज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है या थोड़ा सा भी आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए और बाकी के लोगों के डाउट्स को भी दूर करिए। बिकॉज श्री कृष्ण के भक्त ही एक ऐसे भक्त हैं जो प्रेम को बखूबी समझते हैं। उसी प्रेम का प्रतीक इस वृंदावन में बनाया गया ये प्रेम मंदिर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसकी खूबसूरती उतनी ही निखरती आ रही है। यहाँ पर आज इतनी भीड़ है, इतना रश है कि मैं सच बताऊँ तो आपको यहाँ सही से खड़े होने का भी वक्त नहीं मिलेगा या सही से खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है और मौसम थोड़ा बादलों वाला हो गया है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। लेकिन चलिए हम आपको रूबरू कराएंगे इस प्रेम मंदिर के नज़ारे से। इसमें जाने के बाद आपको जो आनंद की अनुभूति है होने वाली है ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप प्रेम मंदिर में आने के बाद प्रेम मंदिर के ही होके रहना चाहेंगे। तो मैं आपको ले चल रहा हूँ प्रेम मंदिर के अंदर, और इस मंदिर के अंदर जो मैं एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, इतना सरप्राइज़ महसूस हो रहा है और ख़ुद पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि बिकॉज़ मैं इतना लेट क्यों आया हूँ। अरे यहीं पास में तो है मथुरा, तो मुझे कई बार आना चाहिए, बट आज जब मैं आया हूँ तो मैंने प्लान बनाया है, विचार बनाया है कि मैं बार बार यहाँ आने की कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। जी हाँ, हम प्रेम मंदिर के अंदर आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपको इसके अंदर आने के बाद महसूस होगा कि आप किसी पिक्चर की शूटिंग सेट के अंदर आए हुए हैं, यानी कि इतनी खूबसूरती से बसाया गया है, इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, इतनी आनंदमयी लाइटनिंग की गई है कि आपके मन को ये एक मिनट में मोह लेगी। हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन जब मैं आया हूँ तो आपको तो इससे रूबरू कराए बिना नहीं रुक सकता ना, तो थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हम आपको इस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। आप इस मंदिर के अंतरिम माहौल से इतने प्रसन्न होने वाले हैं, इतना आनंद महसूस करने वाले हैं कि आपको खुद से आपका मन, आपका दिल मथुरा आने के लिए झकझोरने लगेगा, ज़बरदस्ती करने लगेगा कि मुझे भी ले चलो श्री कृष्ण के द्वार, गोपियों के शहर, श्री कृष्ण की लीलाओं के स्थान बरसाना, वृंदावन, गोकुल और मथुरा। तो इस समय हम प्रेम मंदिर के अंदर हैं और इसके नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। बिकॉज आज जन्माष्टमी का त्यौहार है जो कि हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इस सबसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं और बहुत कुछ सिखाने वाला आज का दिन है। ये प्रेम मंदिर आपको अपनी खूबसूरती से अपना कर लेगा। मैं धीमे धीमे आपको श्री कृष्ण के दर्शन कराने जा रहा हूँ। जी हाँ, जिनका आज का दिन है उनका दर्शन किए बिना आज का दिन कैसे प्रफुल्लित माना जाएगा, कैसे आनंद भी माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत से भक्त श्रद्धालु, उनके दर्शन, उनकी एक स्मृति को, एक झलक को पाने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, ये आपकी पहली मूर्ति पड़ेगी जो कृष्ण जी के बराबर में है, ये काफ़ी है। यहाँ पे इस नेम प्लेट पे आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से मैं लेके आपको चल सकता हूँ आपके देवों के देव, आपके प्रेम के प्रतीक, आपको जिसका इंतज़ार है, जिसका आज दिन है, श्री कृष्ण के पास। जी हाँ, ये वही तो हैं जिनके लिए हम सब लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। आज इन्हीं के लिए तो हम सब ने मिलकर व्रत रखा हुआ है, आज इन्हीं के जन्म की तो हम खुशियां मना रहे हैं, आज इन्हीं के जन्म का तो हम पर्व मना रहे हैं। जी हाँ, यही हैं हमारे गोकुल के लाल, देवकी नंदन, यशोदा पुत्र, वासुदेव बाबा के लाल श्री कृष्ण। जी हाँ, ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्होंने गीता का सार
अर्जुन को दिया था। जी हाँ, ये हैं हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी, जिनका नाम पूरा जग जपता है। और इनके नाम के बाद, इनके दर्शन के बाद जो आपको आनंद की अनुभूति होने वाली है वो सच में बेमिसाल है। जी हाँ, मंदिर में बहुत भीड़ होने की वजह से और कम टाइम मिलने की वजह से हम बहुत कम टाइम में आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा चुके हैं। ये प्रेम मंदिर था, यहाँ आप ज़रूर आइएगा।